कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद मैं आपके सामने पूरी एनर्जी और पूरी अपनी होशो हवास में इस समय आपके सामने खड़ा हूं। और आज मेरे मन में बहुत ज्यादा जोश है, क्योंकि मैं आज जो क्वेश्चन करने वाला हूं, मुझे उम्मीद है कि आप पहले से जरूर इसको ट्राई कर चुके होंगे। बेटे 5 लेक्चर्स मैंने जनरल एंट्रीज के ले लिए और अभी तक एक ही क्वेश्चन कराया। आप देखिए कितना मैं ध्यान दे रहा हूं आपके कंसेप्ट्स में, कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये कंसेप्ट्स प्रॉपरली क्लियर हो, क्योंकि जनरली ये कराए नहीं जाते। बेटे मैंने आपको जनरल एंट्रीज बताई, मैंने आपको बेसिक लॉजिक बताया, मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम बताया, मैंने आपको डेबिट क्रेडिट की बातें बताई, मैंने उसके बाद आपको अपनी अप्रोच बताई कि आप उस लेन देन अप्रोच से डायरेक्टली जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर से अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बताई बेटे, अमेरिकन अप्रोच, और आज 6th लेक्चर है और बेटे मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ही पहुंचा हूं। लेकिन यकीन मानिए हमारे धीरे धीरे बेटे फाउंडेशन जब अच्छी बन जाती है तो हम धीरे धीरे भागना शुरू कर देंगे। तो आप सभी रजिस्टर ओपन करें, अगर आपने पहले से ये क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई किया हुआ है तो बेटे आज इसको चेक करें। वैसे तो मैंने आंसर अपने नोट्स में दिया ही हुआ है, लेकिन बेटे अगर आप ईमानदारी से उसको चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहां पे मिस्टेक की है। तो रजिस्टर ओपन करें, बुक को साथ में रखें, हाइलाइटर्स पास में रखें, इरादे बुलंद हो। और बेटे मैं लिख रहा हूं लेक्चर नंबर 6, बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल, बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल, लेक्चर नंबर 6 है बेटे, आज का लेक्चर 6 है। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बातें और उसमें हम कर रहे हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, और उसमें कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, और उसमें कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, और उसमें कर रहे हैं जनरल एंट्रीज बेटे, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। जैसे हॉस्पिटल में भगवान ना करे किसी को जाना पड़े बेटे, हॉस्पिटल में सबसे पहले जब एंट्री होती है, मान लेते हैं रामलाल को का एक्सीडेंट हो गया, तो रामलाल सीधा सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड में जाएगा, और इमरजेंसी वार्ड में वो पहले क्या करेंगे, वहां पे जो डॉक्टर्स या जो भी स्टाफ होगा, नर्सिंग होंगी, पहले उसका नाम लिखेंगी, उससे बातें करेंगी और उसका पूरा पहले ब्यौरा लिखेंगी बेटे, उसके बाद उसको अंदर इमरजेंसी में देखा जाएगा। इसका मतलब पहले हम अकाउंट्स में भी जनरल बुक पर प्रिपेयर करते हैं। एक बार हम जनरल बना दें, उसके बाद हम उसकी पोस्टिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। तो बेटे पहली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए भूपेश आनंद के साथ उस राह में चल पड़े जहां पर रोशनी रोशनी है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे भगवान हमें रोशनी की तरफ लेके चल अंधकार से। बेटे लेक्चर 6 से हम आज चलेंगे, और मैंने कोटेशन लिखी है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। ठीक है जी, मैं आगे चल रहा हूं जी। मैंने आपको अभी तक जो बताया एक छोटी सी स्लाइड में लिख दिया। मैंने कहा हाउ टू पास जनरल एंट्रीज, एक तो बेसिक लॉजिक अप्रोच है, लॉजिकल अप्रोच जो मैंने बताई, लेन देन अप्रोच। एक हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसी अप्रोच से किया, फिर मैंने आपको लेक्चर 5 में अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बताई, अमेरिकन अप्रोच बताई, और क्वेश्चन फर्स्ट को हमने दोबारा से अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से किया। बेटे आज भी हम इसी अप्रोच में है। वैसे बेटे एक थर्ड अप्रोच और भी है, ट्रेडिशनल अप्रोच, पुरानी हुई अप्रोच, यूरोपियन अप्रोच, गुजरे हुए जमाने वाली अप्रोच, यो गुजरा हुआ जमाना कोई लौटा दे मुझे। बेटे आप जब प्रोफेशन में चले जाते हैं, जब आप जॉब करेंगे तो आपको लगता होगा पढ़ाई के दिन अच्छे थे, पढ़ाई करते थे तो आपको लगता था बचपन के दिन अच्छे थे। बेटे लाइफ में ऐसे ही हर चीज जो गुजर जाती है हमें अच्छी लगती है बाद में। तो अभी हम ट्रेडिशनल स्टाइल करने वाले हैं, आज नहीं करेंगे, 7th-8th लेक्चर में करेंगे। आज बेटे हमने बेटे आज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मैं जो मुझे खुशी मिलेगी अगर आप कमर सीधी करके बैठे हो, देखो ढीले ढीले बैठे हैं कुछ बच्चे, और बेटे कुछ बच्चों ने तो रजिस्टर तक नहीं खोला, इतने बेवकूफ बच्चे हैं, अकाउंट्स का पेपर चल रहा है और रजिस्टर नहीं खोल रहे। बेटे सोने पे सुहागा समझ लो आप, पाप होल स्क्वायर, पाप स्क्वायर प्लस पाप स्क्वायर प्लस 2a, 2 पाप 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 स्क्वायर। बेटे इतना सारा पाप कर रहे हो आप,
आपको रजिस्टर ओपन करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास चल रही है, लेक्चर 6 है, जनरल एंट्रेंस में बना रहा हूँ, ये बात ये टेबल जरूर बनाना है बेटे, कितनी मेहनत करके हाईलाइट कर रहा हूँ, सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम 3 अकाउंट्स करेंगे, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, अभी नहीं कर रहे। आइए आइए जी आइए बेटे, मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 एक बार अपने सामने ओपन कर लें, क्योंकि बेटे हमने क्वेश्चन 2 ही तो करना है आज। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने 2 लेक्चर्स लगा दिए, एक बार हमने उसको लेन देन अप्रोच से किया और एक बार हमने उसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से किया। आज बेटे मैं भूपेश आनंद अपनी होश में क्वेश्चन 2 पढ़ने वाला हूँ। बेटे यकीन मानिए ये 7-8-10 क्वेश्चन आपने मेरे साथ कर लिए, एक्सप्लेनेशन लिख ली जैसे मैंने बताई है, मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया, बेटे झंडे गाड़ दोगे झंडे जनरल एंट्रीज में, ऐसी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी। बट सवाल है कि आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, डबल इफेक्ट है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो आपको अटेंटिव होकर बैठना है, स्ट्रेट होकर बैठना है, नोट करना है, मेरी बातों को समझना है, सॉल्व करना है, ट्राई करके आना है। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, शो जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। बेटे मई का महीना है और उस महीने की आपको ट्रांजेक्शंस दी है, मई 1 में, देखिए 2 ट्रांजेक्शन है मई 1 में। बेटे मैंने बताया था मई में 1000 ट्रांजेक्शन भी हो सकती है मई 1 में, तो जो पहले हुई है उसको पहले करेंगे। बेटे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जनरल इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ ऑल मनी ट्रांजेक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बेटे वही कर रहे हैं, देखिए मई 4, फिर मई 7, 8, 10, 15, 20। बेटे एक बिजनेस जब चलता है तो बड़ी सारी ट्रांजेक्शंस करता है, क्या क्या ट्रांजेक्शन होंगी, बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैपिटल की ट्रांजेक्शन आ सकती है, उसके बाद वो कैपिटल से कुछ गुड्स खरीद सकते हैं, फिर गुड्स को बेचेंगे, फिर कुछ सैलरी देंगे, कुछ एक्सपेंस होगा, गुड्स वापस होंगी, गुड्स रिटर्न होंगी। बेटे बेटे यही तो है एक बिजनेस, आप बताइए एक ह्यूमन बींग की लाइफ क्या है, बचपन है, जवानी है, फिर बेटे मेच्योरिटी है, फिर ओल्ड एज है, फिर डेथ है, यही तो होता है एक ह्यूमन बींग की लाइफ में। तो आप बताइए एक नॉर्मल बिजनेस अगर मिडिल बिजनेस को देखें तो यही तो होता है बेटे किसी भी बिजनेस में, तो यही ट्रांजेक्शन होने वाली है। अभी हम इन सभी ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्रीज पास करेंगे, मुझे मालूम है कि मैंने इसकी सोल्यूशन दी है मुझे पता है, लेकिन बेटे मजा तब है जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखें, जब हम बातों को सुने, तब जाकर ज्यादा फायदा होने वाला है। खाली आंसर्स तो बेटे बुक्स भरी पड़ी है। आओ बेटे हम स्विमिंग सीखने के लिए, बेटे हम स्विमिंग सीखने के लिए हम पानी में डूबेंगे, पानी में जाएंगे, पानी में तैरेंगे, पानी में हाथ पांव मारेंगे, टांगे भी हिलाएंगे। मैं तो कहता हूं पानी जहां जाता है उसको जाने दो, आप हाथ पांव मारते रहो बस। तो आइए बेटे लाइंस ड्रॉ कर लें। बेटे जनरल के लिए हम एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, चाहे वो मेथड अमेरिकन हो, चाहे वो मेथड ट्रेडिशनल हो, और चाहे वो मेथड ओल्ड हो, आप उसको फॉलो करने के लिए बेटे लाइंस ड्रॉ करते हैं, फॉर्मेट फॉलो करते हैं। पहला कॉलम है डेट का, बेटे दूसरा जर्नल का, तीसरा लेजर फोलियो, आज तक बताया नहीं। बेटे बताऊंगा जब मैं अकाउंट्स बता दूंगा ना तो बताऊंगा कि लेजर फोलियो का यूज क्या था, फिर डेबिट बैलेंस का, आपने उस ट्रांजैक्शन में से कौन से एलिमेंट को डेबिट किया है और आपने उस ट्रांजैक्शन में से कौन से एलिमेंट को क्रेडिट किया है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो बेटे मैंने भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा है, बेटे मैंने इन सबकी लाइन ड्रॉ करी और फिर क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन को समझा, उस क्वेश्चन में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ढूंढा और उसमें से 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को फिर मैंने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में फीड किया, पुट किया और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स को समझा। उसके बाद मुझे पता लगा कि कौन से एलिमेंट को डेबिट करना है और कौन से एलिमेंट को क्रेडिट करना है। लेकिन बेटे ये सारा प्रोसेस सेकंड्स का है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको मैंने बताया हुआ है कि हम अमेरिकन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं अगर हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, और उसका नेचर भी पता है बेटे, हमें हरी मिर्च खाते हैं तो नेचर पता है। हम पाव भाजी, आपकी आंख बंद कर दें और मैं आपके मुंह में पाव भाजी डालूं और आपसे पूछूं भैया बताओ क्या खाया था, आप बता सकते हैं कि ये पाव भाजी है, क्यों, क्योंकि आप बचपन से अभी तक पाव भाजी का नेचर आपको मालूम है। आप आंखें बंद कर दूं, मैं आपके मुंह में इडली डालूं और सांभर डालूं और चटनी डालूं तो आप बता पाएंगे कि इडली है बेटे, क्योंकि आपको इडली का नेचर पता है।
छोले भटूरों का नेचर पता है, नींबू नींबू लेमन का नेचर पता है, बिल्कुल उसी तरह से बेटे एसेट्स का भी आपको नेचर पता है। एसेट्स का नेचर डेबिट बैलेंसिंग नेचर का होता है। और बेटे कैपिटल और लायबिलिटीज ये जो दोनों भाई बहन है एक तरफ है, इनका नेचर क्रेडिट बैलेंसिंग नेचर का होता है। बस बेटे इतनी बात अगर आपने समझ ली, क्योंकि अगर हम एसेट को इंक्रीज करते हैं तो हम डेबिट करेंगे क्योंकि डेबिट बैलेंस का नेचर होता है, और अगर एसेट डिक्रीज होते हैं तो हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि डेबिट बैलेंस का नेचर होता है। एक चीज पता चल जाएगी तो दूसरे एलिमेंट को क्या करना है ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, लेकिन भूपेश आनंद आपको वो भी समझाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर टू। बेटे मैं भूपेश आनंद एक बार इस एंट्री को पढ़ूंगा, हम उसकी चर्चा करेंगे, हम उसके वर्ड्स ढूंढेंगे, फिर हम देखेंगे कि डेबिट क्या करना है, फिर उसके बाद ये सब चर्चा करने के बाद बेटे हम मेन आंसर में आएंगे और जनरल एंट्रीज पास करेंगे। भले मैंने आंसर दिया है लेकिन मैं आपको पानी अलग और दूध अलग करके दिखाऊंगा। बेटे आओ आओ मेरे बच्चे मेरे साथ साथ चलना। सलमान खान, आहा क्या नाम है, सलमान खान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000। सलमान खान ने अपना बिजनेस शुरू किया 45,000 रुपीज। बेटे बेटे लिखा हुआ है कैश लेकर आया। बेटे ये हमें पता है पहली ट्रांजेक्शन कैपिटल की ट्रांजेक्शन होती है, हमें पता है ओनर अलग अलग तरह के एसेट्स लेकर आता है, हमें पता है सलमान खान ओनर है, और हमें पता है कि जब भी ओनर का नाम आता है तो बेटे हम ओनर का नाम नहीं लिखते, उसकी जगह उस रीजन को लिखते हैं जिस रीजन से उसका नाम आया। जैसे सलमान खान कैपिटल लेकर आया तो मैं सलमान खान का नाम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कैपिटल, बिकॉज ही इज ब्रिंगिंग कैपिटल। तो बेटे मुझे दो कीवर्ड्स जो यहां पर दिख रहे हैं, एक सलमान खान दिख रहा है और एक कैश दिख रहा है। बेटे कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, कैश थिंग है, कैश एसेट है, कैश इंक्रीज हो रहा है, और हमें पता है कि एसेट का डेबिट बैलेंसिंग नेचर होता है। अगर कैश बढ़ रहा है तो बेटे कैश को तो डेबिट करना ही है। जब आपको ये पता चल गया कि कैश को डेबिट करना है एज पर डबल एंट्री, बेटे दो एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट को हम डेबिट करेंगे तो दूसरे को क्रेडिट ही तो करना है, तो दूसरा एलिमेंट कौन सा है बेटा, दूसरा एलिमेंट कौन सा है आप बताइए, सोचिए। दूसरा एलिमेंट है सलमान खान। अब सलमान खान ओनर है, सलमान खान ने कैपिटल दी है तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट बैलेंस है। जब कैपिटल बढ़ती है तो बेटे कैपिटल को भी तो बढ़ाते हैं, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बेटे मैं चाहता हूं कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है आप अगर लिख लेंगे तो मेरी खुशी का ठिकाना ही है, और आप ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि महीने दो महीने के बाद आप भूल चुके होंगे कि मैंने क्या बातें बोली थी, इसके साथ साथ कौन सी स्टोरी का एग्जांपल दिया था, कौन सी हीरो हीरोइन की बातें की थी, क्या ड्रामे किए थे। बेटे आज अगर लिख लोगे, नो डाउट लिखते हुए थोड़ा कष्ट होता है बेटे, आप में से कुछ बेवकूफ बच्चे हैं तो लिखेंगे ही नहीं, लेकिन कुछ तो समझदार होंगे, कुछ तो होंगे ना मेरे अपने, वो तो लिखेंगे। बेटे क्वेश्चन नंबर टू, मई फर्स्ट में सलमान खान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000। बेटे मैंने उसी ट्रांजैक्शन को लिख दिया, इसको ना भी लिखें कोई टेंशन नहीं है, आप लिख दें मई एक। बेटे एक्सप्लेनेशन ए मैंने लाल रंग से लिखी है, लाल रंग, रंग दे लाल दुपट्टा मेरा। बेटे ए पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है, व्हाट आर दोस नेम्स। मुझे आपको कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद ये देखना है कि उसमें कौन से दो अक्षर हैं, कौन से ऐसे दो वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे दो कीवर्ड्स हैं, कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो ही डिसाइड करेंगे, उन्हीं को मैंने लिखना है अपने जर्नल एंट्री में, और उसके बाद रूल्स के बेसिस पे मैं ये चेक करूंगा कि उन दो एलिमेंट्स में से किसको डेबिट करूं और किसको क्रेडिट। दोनों का ना भी पता चले, एक का भी पता चल जाए तो बेटे आपको ऑटोमेटिकली दूसरे एलिमेंट का समझ आ जाएगा। तो जरा देखें मैंने क्या लिखा है कि आपको दो एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो पहला एलिमेंट क्या है, कैश, बिकॉज कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, कैश इज एसेट। तो एक तो एलिमेंट है कैश और दूसरा एलिमेंट है सलमान, सलमान खान, सलमान खान। अब मैं आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन में। हम सबको मालूम है बेटे, बच्चे को मालूम है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। आप ये बताइए कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, कैश आ रहा है तो
तो मैंने कैश के नीचे नीले रंग का एरो बनाया और इंक्रीजिंग एरो है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो बेटे मैंने कैश में इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाया, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें ध्यान से, क्योंकि जगह छूट के खत्म हो गया था वो पेज, मुझे नया पेज लेना पड़ा, तो मैंने दोबारा से अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझाने के लिए लिखी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। मैंने पिछले पेज में लिखा कैश आ रहा है, कैश एसेट है, कैश बढ़ रहा है। अगर कोई एसेट बढ़ रहा है क्योंकि कैश का एसेट बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए कैश को डेबिट करने वाले। ये बात तो हमें समझ आ गई। इसका मतलब जो भी दूसरा एलिमेंट होगा उसको क्रेडिट ही करेंगे। फिर भी लॉजिक समझते हैं। देखिए कैपिटल, कैपिटल मैंने लिखा सलमान कैपिटल दे रहा है, सलमान ओनर है, सो वी विल यूज द नेम ऑफ कैपिटल। बेटे ओनर का नाम नहीं लिखेंगे, हम उस कारण को लिखेंगे, हम उस रीजन को लिखेंगे, और रीजन क्या है कि ही इज ब्रिंगिंग कैपिटल, सो आई विल नॉट राइट डाउन द नेम ऑफ द ओनर, रादर आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ दैट रीजन, दैट व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट, एंड द रीजन इज कैपिटल। सो कैपिटल इज कैपिटल एंड लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस इन नेचर, वो हमें पता ही है, लिख ले। सो व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस वी क्रेडिट इट, व्हेन लायबिलिटी और कैपिटल कुछ भी बेटे कुछ भी, when liability or capital, when liability or capital increases, जब liability या capital बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, credit करते हैं। इसी तरह से यहां पर आ जाए assets में cash increase हो रहा है, All assets have debit balance in nature. बेटे जितने भी assets हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, एसेट्स तीन प्रकार के होते हैं, मैंने अकाउंट के क्वेश्चन में 10 बार बताया, ठीक है जी। सो डेबिट व्हेन एसेट इंक्रीजेस, तो हमने इसकी एंट्री बना दी, कोई टेंशन की बात नहीं बेटे। हमें पता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, एसेट्स का डेबिट बैलेंस नेचर होता है, और कैपिटल और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस नेचर का होता है। जब 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 एसेट्स बढ़ेंगे, जब एसेट्स बढ़ेंगे तो चेक करिए मैंने डेबिट किया है, जब एसेट्स कम होंगे बेटे कम ये निशान डाले हैं, बढ़ने और कम होने के ये निशान डाले हैं। इसी तरह से लायबिलिटीज जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटीज या कैपिटल जब कम होंगी तो डेबिट करेंगे। तो बेटे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मैं समझता हूं कि आपको मैं एक की पहली ट्रांजेक्शन समझ आ गई है, अगर आ गई है और मेरे ही हो तो आप सब आयो बेटे जनरल एंट्रीज पास करेंगे। एक बच्चा कह रहा है आंसर तो दिया, मैं उसके ना मुंह पे थप्पड़ मार दूंगा, बार बार बोलता जा रहा है वो। बेटे यहां पे मैं आपको समझाने के चक्कर में हूं और आप बार बार कहते है। लिखना है, लिखो, खोलो रजिस्टर, फालतू बात करते रहते हो। मई एक में सलमान खान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस शुरू हुआ, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। बेटे हम जनरल एंट्रेंस पास कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से, अमेरिकन अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच से। मैं पहले वो दो एलिमेंट्स देख रहा हूं और उनको अपनी इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, फिर मैं देख रहा हूं क्या बढ़ा क्या कम हुआ, और बैकग्राउंड में मेरे चल रहा है कि अगर एसेट्स का डेबिट बैलेंस है और अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो मैं उनको डेबिट करूंगा, इसीलिए मैंने कैश को डेबिट किया। लेकिन जनरल एंट्री लिखते समय जब आप क्रेडिट वाली चीज लिख रहे हो तो डेबिट से थोड़ी सी हट के लिखनी चाहिए, एक साथ नहीं लिखनी चाहिए, तो थोड़ा सा हट के लिखनी है और उसका स्टार्टिंग 2 से होना चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, हट के लिखनी है और बिगनिंग उसकी स्टार्टिंग 2 से होनी चाहिए। तो मैंने लिखा 2 कैपिटल, आराम से बेटे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल। बेटे डेबिट में डेबिट हमने 45,000 से करना है और क्रेडिट भी 45,000 से ही करना है, और बेटे नरेशन समरी रीजन तो लिखना है बेटे है? और उसमें ग्रामर या सेंटेंस का इंग्लिश का ज्यादा टेंशन ना ले, आप बस वही चीज लिखें जिससे ये बात हमें समझ आ जाए कोई भी पढ़े कि क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी। तो लिखिए जी बी कैश
introduced, being cash introduced by Salman as his capital. मेरा खान की जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा और आपको इसको पर्दा जरूर लिखना बेटे, पर्दे में आएगी ये चीज, ब्रैकेट से ओपन होगी और बेटे बेटे ब्रैकेट भी खत्म होगी और इसको द एंड करना है, पर्टिकुलर्स का द एंड करना है, डेट का एंड नहीं होगा, डेबिट बैलेंस का एंड नहीं होगा, क्रेडिट बैलेंस का एंड नहीं होगा, लेजर फोलियो तो बेचारा वैसे ही चुपचाप बैठा हुआ, आपने कुछ किया ही नहीं उसका, खाली आपने पर्टिकुलर्स के नीचे लाइन डालनी है द एंड की। मेरी बात आप समझ रहे, आराम से बेटे, आराम से बेटे, मई एक बेटे एक एंट्री तो हमने कर ली, एक ट्रांजेक्शन हमने कर दी, अब हम आ रहे हैं बेटे दूसरी ट्रांजेक्शन भी मई एक को ही हुई है, लेकिन पहले क्योंकि मई एक में कैपिटल की ट्रांजेक्शन हुई थी तो उसको बेटा पहले लिखा, तभी तो हम कहते हैं इट इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वी हैव टू रिकॉर्ड द थिंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बेटा दूसरी मई एक की ट्रांजेक्शन देखो क्या है, कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक। अब बेटे कैश था हमारे पास, हमें लगता था डर क्या पता रात को कहीं चोरी ना हो जाए, तो हमने क्या किया अपने दुकान के गल्ले से 15,000 रुपए निकाले और उसको जाकर बैंक एक्सिस बैंक में जाके अकाउंट खोला और वहां जमा कर दिए। इसका मतलब अगर आपके पास बैंक बैलेंस है तो बैंक में पैसे जा रहे हैं, कैश से पैसे कम हो रहे हैं, कैश से पैसे कम हो रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं। बेटे कैश और बैंक दोनों ही एसेट्स हैं। तो बेटे इस पूरी ट्रांजैक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, एक कैश और एक बैंक, एक कैश और एक बैंक। बेटे ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। अब दोनों ही एसेट हैं, इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम बनाएंगे और जब लिखेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, तो बेटे एसेट्स के नीचे जब हम लिखेंगे तो बेटे दो ब्रांचेस बनेंगी, क्योंकि तुम ही कैश, तुम ही एसेट हो और बैंक तुम भी एसेट हो। तमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुम ही भगवान हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही कैश, तुम भी एसेट हो, बैंक तुम भी तो एसेट ही हो, लेकिन कैश कम हो रहा है, एक एसेट कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है। एक बच्चे को नींद आ रही थी क्योंकि उसकी कमर ढीली थी, टेढ़ी होके बैठ रहा था, उसने कहा बैंक कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, अब थप्पड़ मारने का मन करता है उसको मेरा, कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक के अंदर तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, कैश का बैलेंस कम हो रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, कैश का बैलेंस कम हो रहा है। बेटे एसेट्स का डेबिट नेचर होता है, आपको पता है बेटे, आप जब गरम गरम चाय पीते हैं आंखें बंद करके तो आपको पता है चाय है, आपको पता है कॉफी है, आपको पता है सूप है, तीनों ही गरम है, लेकिन आप फिर भी डिफरेंशिएट कर सकते हो बिकॉज यू नो द नेचर। सिमिलरली एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस इन नेचर, सो व्हेन एसेट इंक्रीज वी डेबिट इट एंड व्हेन एसेट डिक्रीज we credited, so in this bank account will be debited because my bank balance is increasing and cash account will be credited because cash is also my asset, but when asset decreases I credit it, so my entry will be bank account debit to cash। so my dear friends, ek bar aap is transaction ko samajh to liya hai aapne, mujhe malum hai aapke chehron se dikh raha hai, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार इसको अगर लिख लेंगे तो बेटे मेरे को खुशी मिलने वाली है, आगे तो आपकी मर्जी है, मैंने बड़ी मेहनत की है, एक एक ट्रांजैक्शन को लिखा है, एक्सप्लेनेशन बनाई है, स्लाइड्स बनाई है, बेटे और कुछ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट इतनी दक्षिणा तो जरूर दो कि आप इसको नोट कर लो। एक बच्चा कहता है पता कैसे चलेगा कि हम नोट कर रहे हैं नहीं, बेटे मेरे सबके अंदर एक अलग से बेटे ठंड मिलती है, ठंड जब आप लिख रहे होगे ना तो मुझे एहसास होगा कि आप कर रहे हो, जब आप झुक के बैठते हो ना, बीच में बार बार बोलता हूँ झुक के बैठ रहे हो क्योंकि मन में एहसास होता है कि कुछ बच्चे लेट के पढ़ रहे हैं, वो बेवकूफ बच्चे हैं, इसलिए उनको चेतावनी देता हूँ दोबारा से कि खड़े हो जाओ यार,
खड़े हो जाओ, आओ। टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दो अक्षर, ढाई अक्षर थे प्रेम के, यहां लिखने दो अक्षर। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कैश और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बैंक। तो लिखिए जी ए पॉइंट में टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बेटे इन्हीं लेक्चर्स में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। मैं चाहता तो एक्सप्लेनेशन ना लिखवाता, ये मेरा प्यार है। मैं चाहता हूँ शुरू के दो तीन क्वेश्चन जब आपके पक्के हो जाएंगे ना अच्छी तरह से, तो आगे भाग सकते हैं। सो टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द ट्रांजेक्शन आर कैश एंड बैंक, ठीक है जी। इसके बाद देखो जी, इफ डिसीजन इज टेकन, अगर हम एक कैश या बैंक में से एक के लिए भी डिसीजन ले लेते हैं बी पॉइंट, तो दूसरी डिसीजन ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाती है। इफ डिसीजन इज टेकन, अगर एक के लिए डिसीजन ले लिया, आहा आहा क्या लिखा है बेटे, हिंदी भी लिखी है इंग्लिश भी लिखी है कि मेरे बच्चों को समझ आए। अगर एक के लिए डिसीजन ले लिया कि डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो दूसरे एलिमेंट का डिसीजन विल बी सेल्फ मेड, अपने आप होगा, क्योंकि हम कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो चलिए जी बी पॉइंट लिख लिया उसको। सी पॉइंट, कैश इज एन एसेट, बच्चे बच्चे को पता है कैश थिंग है, कैश एसेट है, बैंक बैलेंस इज ऑल्सो एन एसेट। सो आई हैव रिटन अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। और बेटे एसेट में मैंने दो ब्रांचेस बनाई, एक को कैश लिखा और दूसरे को बैंक लिखा। आप चेक करिए कैश कम हो रहा है, आहा 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 आहा, कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो बेटे उसी के हिसाब से हम एंट्रीज पास करेंगे। एसेट हैज, पता है जान के बार बार लिखवा रहा हूं, जान के बार बार बता रहा हूं कि आपके माइंड के आखिरी सतह तक चला जाए, आखिरी लेयर तक चला जाए। एसेट हैज डेबिट बैलेंस एंड विल बी डेबिटेड व्हेन एसेट इज इंक्रीज्ड। बी पॉइंट, बैंक विल बी डेबिटेड, बेटे अब हमें पता चल गया बैंक को हम डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, भले दोनों एसेट्स हैं लेकिन एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। बेटे ई पॉइंट की एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर हमने सोच लिया कि कैश को क्रेडिट करना है जो ऊपर वाली बात थी, इसका मतलब बैंक विल बी डेबिटेड, इसका मतलब 100% श्योर है कि बैंक को हम डेबिट करेंगे एज पर डबल एंट्री इफेक्ट। आइए जी, आइए हम उसी जनरल में आ जाए और हम एक बार बेटे पहली ट्रांजेक्शन मई 1 की लिख चुके हैं, मई 1 की दूसरी ट्रांजेक्शन लिखेंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000, तो मैं लिख रहा हूं बैंक बैंक अकाउंट डेबिट। बेटे डेबिट को हम डीआर से लिखते हैं, छोटे नाम से लिखते हैं, आपका भी तो घर का नाम है, डेबिट की जगह ही नहीं है वहां पे, तो हम डीआर लिखते हैं। सीआर को क्रेडिट को सीआर लिखते हैं, ठीक है जी, छोटे छोटे निक नेम है। लेकिन बेटे जब भी एंट्री में क्रेडिट लिखना हो तो थोड़ा हटके लिखना है, हटके टू कैश। बेटे कितना कैश हमने निकाला, क्योंकि कम हो गया ना हमारा कैश और हमने बैंक में डाला, तो बेटे 15,000 रुपए से मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और 15,000 रुपए से मेरा कैश का बैलेंस कम होगा। तो मैंने यहां लिखा बी, एक बच्चा कहता सर ये जो हम लिख रहे हैं कारण लिख रहे हैं, रीजन लिख रहे हैं, नरेशन लिख रहे हैं, ये हमेशा बींग से स्टार्ट होती है। बेटे मैंने कहा होती बींग से ही है, आपको एक सेंटेंस में लिखना है कि ऊपर क्या हुआ। तो बींग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पर्दा ब्रैकेट लगाइए और इसको क्लोज कर दीजिए। बेटे बेटे मई एक की ट्रांजैक्शन को क्लोज कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बेटे हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, एक बच्चों को नींद आ रही थी, मैंने कहा बेटे ए मेरे बच्चे हम जनरल एंट्रीज का चैप्टर कर रहे हैं, बेटे
बेटे ये लेक्चर 6 है बेटे, हम अमेरिकन अप्रोच कर रहे हैं बेटे, क्वेश्चन 2 है बेटे, मई 1 की दो दूसरी ट्रांजैक्शन है, अब उसको नींद खुल गई, अब इसलिए अगली ट्रांजैक्शन में आ गया। आओ आओ जी, मई 4 में आ गए, इसका मतलब मई 2 मई 3 शायद संडे रहा होगा, हमें नहीं देखना संडे था या नहीं थी, तो नहीं थी, हम सीधा मई 4 की ट्रांजैक्शन करेंगे। क्या है जी, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 4000 एंड पेड बाय चेक। बेटे आपने एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवा लिया था, आपको 4000 रुपए का आपने सामान खरीदा, गुड्स खरीदी, आपके घर में गुड्स आ रही हैं, गुड्स एसेट हैं, इसलिए गुड्स का बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए हम गुड्स को डेबिट करेंगे, लेकिन गुड्स की जगह हम उस इवेंट का नाम लिखेंगे। ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, परचेजेस और सेल्स दो इवेंट है, तो बेटे यहां परचेजेस हो रही है तो मैं लिखूंगा परचेज।